So today's topic is resistance of system of resistor. Topic का मतलब ये है कि अगर अपने को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से ज़्यादा रजिस्टर दे रखा है तो सबसे पहले हमारे को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, इसको अपन कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। अब रेजिस्टर्स जो हैं वो हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज वी कैन अरेंज देम इन सीरीज एंड द अदर वन इज दैट वी कैन अरेंज देम इन पैरेलल। एक है सीरीज कनेक्शन, एक है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का सर्किट डायग्राम ऐसा होगा, यहाँ पे सेल एमिटर से जाएगा, ये तीनों रेजिस्टर्स एक लाइन में होंगे और इसमें ये तीनों रेजिस्टेंस एक पॉइंट से जुड़ रहे हैं, यहाँ पे वो डिफरेंस आता है। सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होगा कि सब एक ही लाइन में है, और पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होगा पैरेलल रेजिस्टर्स में के तीनों रेजिस्टर एक पॉइंट से जुड़ते हैं। अभी इनके डेरिवेशन आते हैं 3-3 मार्क के बोर्ड के एग्जाम में, तो अपन इसका डेरिवेशन करके देखेंगे। फर्स्ट थिंग जो हमें हमेशा याद रखना है कि ये सिस्टम में अपने को क्या चीज़ें सेम रहती है और क्या चीज़ें अलग अलग रहती है। जब अपन सीरीज की बात करते हैं तो जो चीज़ सेम रहती है वो है करंट। इसका मतलब ये है कि ये तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट जा रहा है। इसमें अच्छा अगर इसमें करंट सेम है तो जो चीज़ डिफरेंट है वो है वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये वोल्टेज टोटल वोल्टेज अपन भी सप्लाई कर रहे हैं पूरे सर्किट को तो ये तीनों में अपना अपना अलग एक वोल्टेज जा रहा है। तो इसका वोल्टेज मान लो V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। ऐसे सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहेगा और वोल्टेज सबका अपना अपना अलग होगा। पैरेलल में क्या होगा, सेम चीज़ रहेगी, दैट इज वोल्टेज। अगर अपन यहाँ से वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये तीनों में वी ही जाएगा। जो चीज़ अलग होगी वो अलग चीज़ क्या होगी, करंट। मतलब इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I2 करंट जाएगा, इसमें I3 करंट जाएगा। अगर अपना वी वोल्टेज अपन सप्लाई कर रहे हैं और अपन ये मान के चल रहे हैं कि इधर से I अमाउंट ऑफ करंट गया सर्किट में तो इस पॉइंट से वो तीन में स्प्लिट हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो याद क्या रखना है अपने को, ये जो डिफरेंट है उससे अपने को स्टार्ट करने का। डिफरेंट से कैसे, टोटल वोल्टेज जो सप्लाई होगा सर्किट का वो है V, एंड दैट V कैन बी रिटर्न एज V1 प्लस V2 प्लस V3, बिकॉज ये V को ही अपन V1 V2 V3 बना रहे हैं। आगे जाके V1 V2 V3 में स्प्लिट हो रहा है, सो वी कैन राइट द टोटल वोल्टेज V वुड बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी करंट सब में सेम है, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव V1 कैन बी रिटर्न एज IR1, V2 कैन बी रिटर्न एज IR2, V3 कैन बी रिटर्न एज IR3। इधर मैंने I1, I2, I3 इसलिए नहीं रखा है बिकॉज ये तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो तीनों में I ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, I को कॉमन निकालो, यू विल गेट R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, यहाँ तक समझ में आया, I को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी ये I को नीचे ले जाओ, गेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड व्हाट इज V अपॉन I, दैट इज R। सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ बिकॉज ये सीरीज में है अपन इसको RS भी लिख सकते हैं, और R इक्विवेलेंट जो लिखना हो RS या R इक्विवेलेंट ये दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया कि अगर अपने पास कोई भी सर्किट में सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो अपने को क्या करना है, सिंपली टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों का सम करते हैं। सेम चीज़ पैरेलल कनेक्शन में भी लगेगी, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, करंट, लेट टोटल करंट बी I, सो I गेट्स स्प्लिटेड इनटू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
V is equals to IR, I can be written as V upon R. So yaha pe we will write V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Why V rakha hai? Because V, jaise apne pehle baat kiya ki voltage sab mein same rahega, to sab mein V dal do. Next V common nikalo. You are getting 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 is equals to I. अभी वी को नीचे ले जाओ, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ये हो गया. अब from this we can say that I upon V can be written as 1 upon R plus 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the formula for equivalent resistance when the system is in parallel connection. Because ये parallel में है तो अपन इसको 1 upon R EV बोल सकते हैं या 1 upon R equivalent जो बोलना हो बोल सकते हैं. So what we get from this, कि अगर अपने सर्किट के अंदर अपने रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, we just have to do individual sum of all the resistance. जब भी अपने parallel में कनेक्टेड है, what we have to do, 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये तीन मार्क का डेरिवेशन आएगा बोर्ड के एग्जाम्स में, सिंपल है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है.